सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो रोहिलखंड विश्वविद्यालय के स्नातक और परा स्नातक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दें कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कार्यक्रम था आपका पीजी का और यूजी का, वो दोबारा से बदल दिया है। इससे पहले आपका परीक्षा कार्यक्रम 7 तारीख को बदला गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से बदल दिया गया है। और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्कीम डाउनलोड करके अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर बदला रोहिलखंड विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम। MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक द्वितीय व तृतीय और परा स्नातक की मुख्य परीक्षाओं का कार्यक्रम एक बार फिर बदल दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव 30 जुलाई को होने वाली BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के चलते किया गया है। छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए 29, 30, 31 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं अब क्रमशः 12, 13, 14 अगस्त को होंगी। परीक्षा नियंत्रक ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले 7 जुलाई को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। हालांकि BEd प्रवेश परीक्षा के चलते ही परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया था, लेकिन पहले BEd की परीक्षा 16 जुलाई को प्रस्तावित थी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा केंद्र पर सभी शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। परीक्षार्थियों को अपने साथ मास्क, सैनिटाइज़र, पीने का पानी स्वयं लाना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी छात्र को बुखार आता है तो उसकी अलग कक्ष में परीक्षा कराई जाएगी। यदि प्रत्येक दिन और प्रत्येक पाली में छात्रों की उपस्थित महाविद्यालयों को लॉगिन में अपलोड करनी होगी। इसके अलावा महाविद्यालयों को प्रश्न पत्रों व उत्तर पुस्तिकाओं के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम का कोई भी एडमिट कार्ड आता है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि आप अपने एडमिट कार्ड आपका आ चुका है और आप उसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।